यहाँ की थ्रेट असेसमेंट को आंकलन करें, यहाँ पे डिग्री ऑफ अलर्ट क्या होना चाहिए वो उनके सामने होना चाहिए। क्या इस वक्त भारत सरकार रेड अलर्ट में है, क्या इस वक्त भारत सरकार येलो अलर्ट में, किस लेवल पे है, और साथ में ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे वो एनकरेज कर रहे हैं कि सिविलियंस यहाँ पे आ जाए, हालात तो और भी बिगड़ेंगे। तो आपके माध्यम से हम भारत सरकार को कहते हैं कि सुरक्षा को लेके वो संवेदनशील रहे और सुरक्षा को लेके वो विचारशील रहे और बाद में सही बातें लोगों के सामने रहे। किस परिस्थिति को लेके हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस परिस्थिति को लेके हमने आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम तंग आ चुके हैं ये बार बार ये सुन के कि नॉर्मलाइज हो गए, इतने टूरिस्ट हो गए, और साथ में एक साइड से हम आतंकवाद का फैलाव देख रहे हैं, कश्मीर से लेके पूरे जम्मू के प्रदेश में अपनी चपेट में ला चुका है। हम देख रहे हैं कि नए सिले से एक जिनोसाइडल वायलेंस कश्मीर से लेके अब जम्मू तक फैल गई है। इन सारे बातों को भारत सरकार रिकॉग्नाइज नहीं करती है। जब तक ना इन सारी बातों को, यहाँ के आतंकवाद के परम लक्ष्य को और आतंकवाद के वैचारिक स्वरूप को भारत सरकार नहीं माने, तब तक वो कोई पॉलिसी बना नहीं सकती। आज के दिन हम ये अनुरोध करने के लिए उनको अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी में एक फंडामेंटल चेंज लानी पड़ेगी। अभी जो यहाँ पे सिक्योरिटी रिव्यू हुआ है वो वैसा ही सिक्योरिटी रिव्यू हुआ है जैसे कांग्रेस के टाइम पे होता था या किसी और सरकार के टाइम पे होता। हमको इससे कोई आश्वासन मिला नहीं।